विधायक विशाल पटेल गुरुवार को बेटमा नगर के कोरोना मृतक परिवारों के परिजनों से मिलने पहुंचे और उनकी शोक संवेदनाएं वे प्रकट की। अपने निजी रूप से 5,000 रुपये की सहायता राशि भी भेंट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार मौतों का आंकड़ा छुपाकर गमी वाले परिवारों के साथ अन्याय कर रही है। बेटमा में मात्र 2 लोगों की मौत की सरकार आंकड़ों में दर्ज है, जबकि सैकड़ों की संख्या में बेटमा में कोरोना महामारी से लोगों की दुखद मौत हुई है। देपालपुर विधानसभा के प्रत्येक गाँव में कोरोना मृतक परिजनों में मिल रहा हूँ और वहाँ अपनी शोक संवेदना प्रकट करने जा रहा हूँ। लगभग 1500 से ज़्यादा की संख्या में देपालपुर विधानसभा में कोरोना से लोगों की मौत हुई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में मात्र 7,760 मौत होने की बात कर रहे हैं। यदि देपालपुर में 1500 से अधिक की संख्या में मौत हुई है तो पूरे प्रदेश में मौत का आंकड़ा क्या होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मौत हुई थी कोरोना के कारण और उसके कारण ये विधायक साहब यहाँ आए और इन्होंने सहायता दी हमें, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद हो रही है। जो भी हमें आगे कभी सहायता दें अच्छा रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम पीर मोहम्मद है। आज बेटमा नगर में मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर सभी जगह जहाँ जहाँ गमी हुई है इस महामारी के दौर के अंदर एक बड़ी क्षति पूरे समाज को हुई है। मैं खुद और पूरी टीम के साथ हर एक घर जा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति सक्षम नहीं है, सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन सरकार उनको देना नहीं चाहती। और बड़ी दुखद की बात यह भी हुई कि नगर पंचायत के रिकॉर्ड के अंदर मात्र 2 मौतें बेटमा में हुई कोरोना से, लेकिन जब मैं खुद यहाँ पहुँचा और घर घर जा रहा हूँ और उन लोगों से जब रिकॉर्ड देख रहा हूँ, उनको जो मुझे रिपोर्ट दे रहे हैं वो, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या में बेटमा में है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़े घोषणावीर हमारे मुख्यमंत्री जी, वो या तो जो घोषणा वो करते हैं वो पूरी नहीं करना चाहते हैं, जनता के साथ छलावा करना चाहते हैं। तो मैं एक तो उसकी निंदा भी करता हूँ, साथ ही पूरी देपालपुर विधानसभा के अंदर मैंने ये लगातार जा रहा हूँ, बैठक का दौर जारी है, सभी के यहाँ संवेदनाएँ प्रकट करने जा रहा हूँ। तो संख्या मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 1,500 से प्लस देपालपुर में हो गई है विधानसभा में। तो जो संख्या मध्य प्रदेश में 7,760 सिर्फ मध्य प्रदेश में 7,760 शिवराज सिंह जी बोलते थे, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि 1500 प्लस अगर देपालपुर विधानसभा में है तो बाकी जगह इस मध्य प्रदेश में आंकड़ा कहाँ पहुँचेगा। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और मैं समझूं कि यह बड़ा छलावा है आम जनता के साथ। आपको नहीं देना हो तो किसी भी बात में आपको कोई बात देनी है कि आपको कोई चीज़ देना चाहिए, लेकिन अगर आपने वादा किया है, घोषणा करी है, तो हर एक व्यक्ति को आपका दायित्व बनता है 1,00,000 रुपये की जो घोषणा आपने करी है वो करना चाहिए। वैसे तो मैं खुद भी सभी के डाटा इकट्ठे कर रहा हूँ और जल्द कोर्ट के माध्यम से आपको सबको एक नोटिस जरूर इस सरकार को जाएगा और कोर्ट के माध्यम से हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो इन्होंने वादा किया वो दिलवा के रखूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।